टैक्स सबसे पहले शुरू कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और आज तक जो टैक्स है वो जनरली मेरा मूड था कि हम रिकॉर्डिंग ना कराएं। उसके पीछे रीजंस क्या था? रीजंस है सिर्फ एक ही, हर एक साल टैक्स में कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। अगर रिकॉर्डिंग करके हम डालते हैं तो हर एक साल जो चेंजेज होगा उसका हम लोग कैसे करेंगे? क्या हर एक साल हम लोग एक ही चीज का रिकॉर्डिंग करेंगे? शायद नहीं। तो फिर हमने दिमाग में ये बिठा लिया कि अपना जो असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर जो चल रहा है, जो अभी आप ऑनगोइंग क्लास पढ़ रहे हैं, आपका जो प्रीवियस ईयर होगा, असेसमेंट ईयर होगा, वो बताएंगे, और हर एक साल जो चेंजेज होगा उसको हम एक अलग वीडियो बना के डाल दिया करेंगे, जो चेंजेज है और कुछ भी नहीं। तो ये सोचकर मैंने शुरुआत किया। देखो, आप लोगों का जो सिलेबस है, सिलेबस में आप देख रहे होंगे ये जो आपका बुक, आपका सिर्फ डायरेक्ट टैक्स है। क्या है? डायरेक्ट टैक्स। आप बोलेंगे फिर इनडायरेक्ट टैक्स कब पढ़ेंगे? अभी आपका फोर्थ सेमेस्टर में डायरेक्ट टैक्स है, आगे आपको इनडायरेक्ट टैक्स भी मिलेगा। तो डायरेक्ट टैक्स में हम लोग क्या क्या करेंगे, डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है? तो डायरेक्ट टैक्स में आप देखेंगे इनकम टैक्स आता है। क्या आता है? इनकम टैक्स। जो ये इनकम टैक्स है डायरेक्ट टैक्स में, आप यहां पर देखिए, फिर मैंने क्या लिखा हुआ है, एक्ट। किस एक्ट के अंदर ये गवर्न होता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। और इसका टैक्स ऑथोरिटी कौन होता है? CBDT भी लिख सकते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। इनडायरेक्ट टैक्स में जितने भी थे, कस्टम, एक्साइज, सब हटकर अभी GST हो गया है। GST का वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। आप जब इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ोगे उस समय वो GST का वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होगा। GST के अंदर CGST, IGST, आप देख रहे हैं GST सभी में है, सिर्फ उसके आगे क्या हो गया है, सी सेंट्रल को, आई इंटीग्रेटेड और एस स्टेट। ये इसके बारे में अगर पूरा जानना चाहते हो तो ऑलरेडी आप जरूर से GST का वीडियो को देखिए, वहां पर जर्नल एंट्री भी कैसे होता है, कैश बुक में हम लोग कैसे करते हैं, डे बुक में कैसे करते हैं, सारा बात इन लार्ज समझाया गया है, ठीक है। और सभी का जो रिस्पेक्टिव टैक्स ऑथोरिटी है वो मैंने यहां पर लिख दिया है, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहला जो काम करने जा रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स, जिसके अंदर आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे, वो कौन कौन से इनकम है जिसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स के अंदर वो सारे हेड्स ऑफ इनकम क्या है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं, हेड्स ऑफ इनकम। तो चलिए हेड्स ऑफ इनकम लिखिए। देखो, अब हम लोग नेक्स्ट लिस्ट में जो देखने जा रहे हैं, हेड्स ऑफ इनकम, यानी हम लोग डायरेक्ट टैक्स में जो भी आपने देखा इनकम टैक्स, उसके अंदर पांच हेड्स होते हैं। और पहला जो हेड्स है वो क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी बोलते हैं, या इनकम अंडर द हेड सैलरीज। इसमें गवर्नमेंट ने ये देखा कि जितने भी तरह के लोग जो इनकम करते हैं सभी को टैक्स देना है। आप बोलेंगे सर क्या कोई 10 रुपया भी कमाएगा तो देगा? नहीं, वो आगे आप पढ़ेंगे। पहले ये जज किया गया कि कहां कहां से लोग इनकम करते हैं, उसके लिए एक हेड्स बनाया गया, जो कि आप देख रहे हैं हेड्स ऑफ इनकम में। जितने लोग सैलरीड पर्सन है, चाहे वो गवर्नमेंट इंप्लाई है, नॉन गवर्नमेंट इंप्लाई है, सेमी गवर्नमेंट इंप्लाई है, कोई भी, यानी कोई कहीं पर भी अगर अपना वर्क दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसको सैलरी मिल रहा है इन रिटर्न, तो उसके ऊपर जो भी इनकम हो रहा है उसको कहां रखा गया, इनकम अंडर द हेड सैलरीज। अब टैक्सेबल होगा या नहीं होगा वो तो बाद में जब हम लोग पढ़ेंगे तब बताएंगे कितने के ऊपर टैक्स लगता है, कितना क्या क्या छूट है, अंडर सेक्शन 80C से 80U तक क्या क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो हम आपको पहले समझा रहे हैं हेड्स ऑफ इनकम। फिर देखा गवर्नमेंट ने कि जितने भी सैलरीड पर्सन है वो आगे हैं। दूसरा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जितने भी बड़ा बड़ा कंपनी खुलता है, सबका ऑफिस, जितने भी बैंक देखते हैं, ये सब कुछ किसी ना किसी का हाउस प्रॉपर्टी है, उसमें उसने रेंट लेके अपने ऑफिस को खोला है, तो वहां से जो रेंट का इनकम होता है उसको कहां रखा गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। आप भी अगर अपना कोई फ्लैट या घर जो भाड़ा में देते हैं, इन रिटर्न जो रेंट आता है
उसको इनकम टैक्स में किस हेड के अंदर दिखाना पड़ेगा आपको, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो कहने का मतलब है जो वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम जो है उसको हम कहां पर लिखेंगे, कहां डील करेंगे, ये चीज को आप यहां पर देख रहे हो। थर्ड वन, तो देखा चलो हाउस प्रॉपर्टी वाले भी आ गए, क्या बच गया, तो प्रॉफिट एंड गेन्स, बिजनेस एंड प्रोफेशन। जितने भी बिजनेसमैन है वो जो इनकम करते हैं, चाहे किसी भी तरह का बिजनेस हो, या फिर जितने भी प्रोफेशनल मैन है वो जो इनकम करते हैं, उसको किस हेड में रखा जाएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। यानी इसमें आप बिजनेस एंड प्रोफेशन देखेंगे कि जो बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन करते हैं उसका जो इनकम होता है उसमें क्या क्या खर्च होता है, कैसे उसका इनकम को निकाला जाता है, ये आप यहां पर सीखेंगे। कैपिटल गेन, आप लेकिन सर कैपिटल गेन क्या है, सैलरीड पर्सन तो आ गया, जहां हाउस प्रॉपर्टी वाले आ गए, बिजनेसमैन आ गया, प्रोफेशनल मैन आ गया, बचा क्या, बचा ना, बहुत सारे लोग ना बिजनेस करते हैं ना प्रोफेशन करते हैं ना हाउस प्रॉपर्टी किसी को भाड़ा देते हैं ना सैलरी, वो कहीं काम करते हैं, वो क्या करते हैं, इन्वेस्टर है। मान लीजिए कहीं पर भी जमीन खरीदा, गोल्ड खरीदा, सिल्वर खरीदा, एंटीक खरीदा, और कुछ दिनों के बाद 10 साल 5 साल के बाद उसको बेच दिया, उसको कहीं कुछ नहीं करना पड़ रहा है, घर में आराम से है, लेकिन वहां से भी जो उसका इनकम आया, यानी अगर कोई एसेट्स को आप सेल परचेज करते हो तो वो जो इनकम होता है उसको कहां रखा जाता है, कैपिटल गेन के अंदर। जब आप कैपिटल गेन वाले चैप्टर में जाओगे तब हम बताएंगे कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म किसको बोला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सब कुछ तो आ गया, नहीं अभी भी बहुत कुछ बाकी है, जो ये चार को छोड़कर जो भी और इनकम होगा वो सब कहां चलाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आप बोलेंगे सर बचा ही क्या, कैसे नहीं बचा, देखिए मान लीजिए अगर कोई सिर्फ बैंक में या पोस्ट ऑफिस में रुपया जमा कर दिया है और वहां के इंटरेस्ट से अगर वो अपना फैमिली चलाता है या खुद का जिंदगी को चलाता है तो वो इनकम कहां से कर रहा है, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट इनकम हो गया, तो वो भी अदर सोर्सेस में आएगा क्योंकि उसके लिए अलग से हेड्स नहीं है। मान लीजिए लॉटरी का इनकम, हॉर्स रेस का इनकम, बहुत सारे इनकम है, जब अदर सोर्सेस में हम जाएंगे तब आपको बताएंगे कि अदर सोर्सेस में क्या क्या होता है, पेंशन, ये सारे कुछ हम आपको बताएंगे। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, आप जो ऑफलाइन में हैं आप तो पढ़ेंगे और फिर आप फोर्थ से फिफ्थ सेमेस्टर में चले जाएंगे, लेकिन ये वीडियो यूट्यूब में यूं ही रह जाएगा, जो एक साल बाद आएंगे थर्ड से फोर्थ सेमेस्टर में वो वीडियो को ऑन करेंगे तो वहां पर हर एक बार उसको क्या मिलेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 1920 रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 2018-19। तो वो तो सोचेगा अरे ये तो एक साल पुराना वीडियो है, एक साल पुराना वीडियो है, नो डाउट इसमें तो बहुत सारे चीज चेंज हो गए होंगे, तो टेंशन मत लो, मैं जहां पर भी लिखूंगा एक जगह सिर्फ लिख देंगे असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, मैं एक जगह लिख के उसको मैं क्रॉस कर दूंगा, ठीक है, आप भी सुन लीजिए जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लिख के मैं क्रॉस कर दूंगा क्योंकि हर एक साल कुछ ना कुछ चेंज होते हैं, बड़ा स्लाइट चेंज होता है, एक दो टॉपिक चेंज होता है, बट वो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट लाएगा ना। अब मेरे को क्या पता है कि अगले साल गवर्नमेंट क्या चेंज करेगा, अगर मेरे को पहले से पता रहता तो उस चेंज का फायदा तो मैं उठा ही लेता, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को पहले से पता है, मेरे को गवर्नमेंट पहले से बता देगा कि तुम टैक्स बढ़ाते हो, लोग पहले से बता देते हैं, तो ये तो हमको तो बताएगा नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, जैसे आप देखिए ना आपका जितना अकाउंट्स का वीडियो, एफएम का वीडियो, कॉस्ट का वीडियो जो डाल दिए जिस चैप्टर का, उसको हर एक साल हम चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं ना, उसमें और प्लस होते जाएंगे, बट ये तो एक साल के बाद ही पूरा वीडियो बर्बाद हो जाएगा क्योंकि असेसमेंट ईयर चेंज हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर चेंज हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना बातों को, तो हम क्या करेंगे, वीडियो यही रह जाएगा, जो भी चेंजेज रहेगा हम उसको जरूर से आपको बता देंगे, ठीक है, बट अभी आप तो इसी असेसमेंट ईयर को और इसी प्रीवियस ईयर को पढ़ेंगे। अब समझ लीजिए प्रीवियस ईयर क्या है, ये जो 2018 स्टार्ट हुआ अप्रैल से 31 मार्च तक, आप के लिए ये प्रीवियस ईयर होगा, मार्च जैसे ही खत्म होगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपने क्या क्या इनकम किया, ये गवर्नमेंट के पास जो रिटर्न भरते हैं, एक वर्ड मैंने यूज किया, जो रिटर्न भरते हैं उसको बताना पड़ता है कि किस जगह से मेरा कितना इनकम आया, ठीक है। अब एक लोगों का यहां से भी इनकम आ सकता है,
यहां से भी इनकम आ सकता है। मान लीजिए कहीं पर काम कर रहा है बट उसने अपना कुछ घर का पोर्शन भी भाड़ा में देकर रखा है, कुछ बैंक में FD बना के रखा है जहां से इंटरेस्ट आया, तो ये सारे इनकम को जोड़ेंगे तो उसके लिए वो टोटल इनकम होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि एक भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो अगर टोटल इनकम वाले चैप्टर में आप कैसे करोगे। इसीलिए एक बात का ध्यान रखेंगे कि आपको पूरा का पूरा करना है, ठीक है। तो हमारे लिए असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर ये रहेगा, बट हम लोग वहां पर लिखकर उसको या तो सर्कल कर देंगे या काट देंगे या सर्कल कर देंगे, ओके, वहां बोल भी देंगे हम लोग। अब आइए हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बोलना शुरू करें। देखिए जब आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए जाएंगे तो आपको सबसे पहले उसका जो अभी फॉर्मेट हम करेंगे उस फॉर्मेट के अंदर तीन चार बातें आपको नया नया निकलकर आएगा। पहला एनुअल वैल्यू, तो हम लोग पहले से जान लेते हैं कि एनुअल वैल्यू क्या है, क्योंकि अभी हम फॉर्मेट में जब जाएंगे तो संग संग हम लोग सवाल शुरू कर देंगे बनाने के लिए। जब आप एनुअल वैल्यू निकालेंगे, ये देखिए एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हमको हेल्प लेना पड़ता है स्टेप वन स्टेप टू, अभी आप देखेंगे फॉर्मेट को। उस स्टेप वन और स्टेप टू में दो बातें रहते हैं, रेंट रिसिप्ट, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, ये चारों में से कंपेयर करके एक चीज निकलता है और उसी को क्या बोलते हैं एनुअल वैल्यू। वैसे तो एनुअल वैल्यू बोलता है कि क्या है, सम फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबल बी एक्सपेक्टेड टू लेट फ्रॉम ईयर टू ईयर। कोई भी प्रॉपर्टी जो आप लेट आउट करते हो, भाड़ा में देते हो हर एक साल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एनुअल वैल्यू बोलते हैं। बट एनुअल वैल्यू निकालने के लिए आपको एक दो तीन चार, ये चार चीजों को जानना जरूरी है। रेंट रिसिप्ट कुछ खास बात नहीं है, जब आप किसी को भाड़ा में देते हैं तो उसके बदले में जो आपको रेंट देता है वही क्या हुआ, रेंट रिसिप्ट हुआ, ओनर के लिए रेंट रिसिप्ट हुआ। म्यूनिसिपल वैल्यू, आपका प्रॉपर्टी अगर किसी भी म्यूनिसिपल एरिया में रहता है तो म्यूनिसिपल वैल्यू म्यूनिसिपैलिटी डिटरमाइन करता है, क्यों, उसके ऊपर टैक्स लेता है वो। फेयर रेंट, फेयर रेंट होता है आप जिस लोकेलिटी में अपना घर को या ऑफिस को भाड़ा में दिए हैं उस लोकेलिटी में एक रेंट तो चलता होगा, तो फेयर रेंट इसलिए रखा गया है, इनकम टैक्स वाला फेयर रेंट को रखा है। मान लीजिए अगर आपने बता दिया कि आप मान लीजिए कलकत्ता के अंदर एक ऑफिस भाड़ा में दिए 10,000 में, आपने झूठ लिख दिया 10,000, बट अभी इनकम टैक्स वाले को पता चलेगा कि उस एरिया में 10,000 नहीं 20,000 चल रहा है, तो वो आपको चार्ज कर सकता है कि 10,000 कैसे। यानी फेयर रेंट का मतलब हुआ उस लोकेलिटी में जो आप जितना में भाड़ा लगाए हैं क्या वही भाड़ा चलता है या कम है या ज्यादा है। स्टैंडर्ड रेंट, जब कोई भी डिस्प्यूट हो के प्रॉपर्टी अगर रेंट कंट्रोल एक्ट में चला जाता है तो वहां पर से जो रेंट डिटरमाइन होता है उसको क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड रेंट। तो सभी के बारे में दो दो लाइन पहले लिख लीजिए, इसके बाद हम फॉर्मेट बनाएंगे और फॉर्मेट बनाने के बाद हम आपको बताएंगे कि क्या सीख लेने से हाउस प्रॉपर्टी आप सीख गए। बट इतना तो हम आपको एश्योरेंस दे सकते हैं, आप इधर में डायरेक्ट टैक्स का जितना भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे, मेरा चैलेंज है, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप किसी को भी चलते बुलते पढ़ा सकते हैं, खड़ा होकर हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा सकते हैं। बोला खड़ा हो जाओ तुम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ लो। तो चलिए अभी हम लोग उसी की तरफ चलते हैं, एंड जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी देखिए, अपने फ्रेंड को जरूर से आप बताइए कि टैक्स का जितना भी पार्ट है ये पांच चैप्टर कितने आसानी से आप यहां पर समझ सकते हैं। जैसा कि अभी हम आपको बताए थे कि रेंट रिसिप्ट, अभी जो फॉर्मेट हम लोग बनाएंगे वहां पर आएगा रेंट रिसिप्ट। रेंट रिसिप्ट का मतलब है फॉर ए प्रॉपर्टी विच इज एक्चुअली लेट आउट, जब आप भाड़ा में लगाते हो रेंट जो ओनर को मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंट रिसिप्ट या रेंट रिसिबल। फेयर रेंट, उस लोकेलिटी में उसी तरह का प्रॉपर्टी जितना में भाड़ा में चल रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेयर रेंट इज द रेंट विच अ सिमिलर प्रॉपर्टी में फेच इन ए सिमिलर लोकेलिटी। म्यूनिसिपल वैल्यू, किसी भी म्यूनिसिपैलिटी के अंदर अगर आपके प्रॉपर्टी पड़ते हैं तो म्यूनिसिपल टैक्स लेता है म्यूनिसिपैलिटी, उसके लिए एक वैल्यू म्यूनिसिपल अथॉरिटी
डिटरमाइन करता है उसी को क्या बोलता है म्यूनिसिपल वैल्यू। एंड स्टैंडर्ड रेंट इन केस ऑफ प्रॉपर्टी इज कवर्ड अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट, अगर चला जाता है तो रेंट कंट्रोल एक्ट जितना रेंट डिटरमाइन करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड रेंट। ओके तो चलिए अभी हम लोग हाउस पार्टी का फॉर्मेट को बनाएंगे और जब फॉर्मेट बन जाएगा तो वहां उस फॉर्मेट में हम लोग देखेंगे कहां तक इंपॉर्टेंट है, क्या सीख लेने से आप हाउस प्रॉपर्टी सीख लिए। तो सबसे पहले जल्दी फॉर्मेट की तरफ चलिए।